सोलन में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है और भाजपा से जुड़े सभी संगठन आने वाले चुनावों को जीतने के लिए पूरे जोर से कोशिश कर रहे हैं। वहीं सोलन में कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सोलन में कांग्रेस को युवा कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में यूथ कांग्रेस शिथिल पड़ चुकी है। ऐसे में भाजपा जहां युवाओं में दम भरकर प्रदेश में चुनाव जीतने की बात कर रही है, वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस युवाओं की बजाय बूढ़ी बैसाखियों के सहारे ही शायद जीत हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि आज सोलन से कांग्रेस विधायक अकेले पड़ चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा आज उन पर हावी होते नजर आ रहे हैं। भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी मनीष कुमार ने कहा कि आज कांग्रेस को युवा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज युवाओं का मोह कांग्रेस से भंग होता जा रहा है। यही कारण है कि भाजयुमो के साथ ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हुई रैली में जिला से करीबन 5000 युवा रैली में गए हुए थे, लेकिन आज मंडी में आयोजित राहुल गांधी की रैली में जाने के लिए सोलन जिला से चंद यूथ कांग्रेस के युवा ही रैली में भाग लिए हैं। आज जो मंडी में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली जो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, उन्होंने यहां से सोलन से दावा किया था कि सोलन से 8 से 10 हजार युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, तो हमें यह नहीं लग रहा है कि यहां से लगभग 200 भी कार्यकर्ता इनके गए होंगे। इससे यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि युवा नेताओं का, जितने भी युवा नेता आगे आ रहे हैं, कांग्रेस से मोह भंग होता है और बीजेपी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जहां दिख रहा है कि कोई भी युवा कांग्रेस की तरफ अपना मुख नहीं कर रहा है, और जहां तक सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, वहां तक देखा जाए जहां स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री के साथ उनके पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के सिवाय कोई भी यहां पर विंग कांग्रेस का यहां पर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है।